ये मेट्रो बन गई, अब कामठी तक जा रही, उधर हिंगना तक जा रही, यहां से बुटीबोरी तक जा रही, और पूर्व नागपुर में पार्डी से भी आगे जो इंडस्ट्रियल एरिया वहां तक जा रही है। आज नागपुर में लोग 2 लाख 2.5 लाख लोग रोज मेट्रो में जाते हैं। नागपुर में अच्छे अच्छे मार्केट्स हमको बनाना है। लोग फुटपाथ पर पाव भाजी और पानी पूरी खाते, इसके बजाय उतने ही पैसे में फूड मॉल बनाएंगे, फ्रूट वेजिटेबल के मार्केट बनाएंगे। रास्ते पर बकरे काटते और वही मटन लेके घर में ले जाते, आप केवल मटन नहीं लेके जाते, आप बीमारी अपने घर में ले जाते। हम फिश के लिए, मटन के लिए एयर कंडीशन मार्केट बनाएंगे। ये शहर को हमने सर्व दृष्टि से अच्छा बनाने की कोशिश की है। जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर हमने राजनीति नहीं की है, और इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहयोग किया। पर उत्तर नागपुर से इस बार मैं 32,000 वोटों से पीछे था, क्योंकि लोगों को गुमराह किया गया, उनको बताया गया कि ये नितिन गडकरी चुनकर आएंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत का बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। हम ना संविधान बदलेंगे, ना बदलने देंगे, ना बदलने की किसी की हिम्मत है। मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैंने LLB किया है। आपको पता होगा कि 4 पार्ट में हमारा संविधान है, और पहला पार्ट जो है वो संविधान के मूलभूत तत्व है, प्रीएम्बल उसको बोलते हैं। और ये जो संविधान के जो मूलभूत तत्व है, उसमें बाबा साहब के समिति ने उस समय लिख कर रखा है कि ये बदल नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट में केस हुई, और केस होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 10 न्यायमूर्ति के खंडपीठ ने निर्णय दिया कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। भारतीय संविधान के मूलभूत तत्व बदल नहीं सकते। अब यह मूलभूत तत्व कौन सी थी? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, ये बदले नहीं सकते। तो जो 3 पार्ट में संविधान था वो 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट में बदल सकता है। पर आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि 1975 में इमरजेंसी क्यों आई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ निर्णय दिया, और वो निर्णय देने के कारण इंदिरा जी ने इमरजेंसी तो लाई कांग्रेस पार्टी ने, पर ने बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान को तोड़ मरोड़ कर रखा। और बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो फिर से एक बार वो दुरुस्ती करके संविधान को बचाने का काम जनता पार्टी ने किया, और हमारे खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, लोगों के मन में जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दलित समाज को कह रहे कि बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, मुसलमानों को कहते हैं कि ये अगर चुन कर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, आपके सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मोहर लगाओ। हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, हम आतंकवादियों के विरोध में जरूर है, जो घुसखोरी करते हैं उनके विरोध में जरूर है, पर हमने कभी मुसलमानों के विरोध में नहीं है। हम ये मानते हैं कि सबको, चाहे धर्म जिसको मानते हैं उसको, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या बौद्ध विहार में जाने का अधिकार है। हम सब भारतीय हैं और हम एक हैं, यही बात हमने रखी है। पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोगों के मन में जहर फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, और इसलिए मैं आपके सामने आया हूं कि ये जो चुनाव है ये मिलिंद माने के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके तकदीर का और आपके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। ये 10 साल
जो काम हमने नागपुर में किया, विदर्भ में किया, महाराष्ट्र में किया, वो आपके सामने है। इन्होंने क्या किया? केवल झूठे वादे किए, गरीबी हटाओ का नारा दिया, 20 कलमी, 40 कलमी, 8 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की, गरीबी हटाओ का नारा दिया, और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, प्राथमिक स्कूल खोली कांग्रेस वालों ने, और ये टीचर्स को कहते तुमसा अर्धा पगार अमी अर्धा पगार तुम्ही, न जात पर न बात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी, हाथ पर खाओ खींचो अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो, और आगे एक पाव डटा गरीबी हटा हो गया। इससे सावधान रहिए, यह आपके तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है। आपने मुझे 10 साल मंत्री बनाया तो नागपुर की तस्वीर बदल गई। इसके पहले कौन सांसद था, क्या काम किया था उन्होंने, मैं किसी का नाम नहीं लेता। 60 साल में जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी, वो 10 साल में हमने नागपुर की तस्वीर को बदल के दिखाया। ये काम हमने पूरे देश में, कहीं भी आपके रिश्तेदारों के जाइए पूछिए, कभी 24 घंटे पानी मिलता है? एक भी का शहर नहीं है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि मिलिंद माने के रूप में एक उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर, जिसने दलित समाज की सबसे बड़ी समस्या सिकल सेल की, लोगों की सेवा करने का काम ईमानदारी से जिसने किया, ऐसे हमारे डॉक्टर मिलिंद माने, डॉक्टर रुगवानी खड़े हैं वहां। मैंने खुद दलित समाज के 10 लाख रुपए पर हेड के हिसाब से 50 लड़कों का बोन मैरो करने के लिए रिलायंस के मुंबई के हॉस्पिटल में उनके बोन मैरो के ऑपरेशन करा कर दिए। 50,000 लोगों के हार्ट के ऑपरेशन करके दिए, 1,00,000 लोगों को चश्मा लगा के दिया, हमारे जिनके पैर नहीं थे 800 लोगों को पैर लगा के दिए, 1,500 लोगों को कान की मशीन लगा के दी, और दिव्यांगों के लिए पूरे देश में पहली बार दिव्यांग पार्क हमने पूर्व नागपुर में बनाया। और अब मैं उत्तर नागपुर में कमाल चौक में, मैं ये कह सकता था कि उत्तर नागपुर ने मुझे लीड नहीं दिया, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं कह सकता था, क्योंकि मैं उत्तर नागपुर से भरोसे चुन के नहीं आया हूं। पर मैंने ये नहीं कहा, मैंने अपने मां के स्मरणार्थ प्रभाकर राव येवले जी है क्या, उन्होंने जगह दी और कमाल टॉकी चौक में बड़ी बिल्डिंग बनाई है, वहां MRI, CT स्कैन, डायलिसिस, एक्सरे, पैथोलॉजी टेस्ट, जो MRI 12,000 रुपए में होता है वो 800 रुपए में होगा गरीबों के लिए, जो CT स्कैन 6,000 रुपए में होता है वो 600 रुपए में होगा, जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी के रिपोर्ट के लिए 12,000 रुपए लगते हैं वो 200 रुपए में होगा, एक्सरे 100 रुपए में होगा, डायलिसिस 100 रुपए में होगा, क्योंकि हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि, ये हमारा विचार है, हमारा मिशन है, हमारा आत्मा है। और राष्ट्र की अगर प्रगति और विकास करना है तो सुशासन और विकास चाहिए, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के साथ इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उनकी निरंतर सेवा करते रहेंगे, और एक दिन उनको जिस दिन तक रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्दिष्ट है। मैंने बहुत काम करने का मौका मुझे आपके आशीर्वाद से मिला, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर है। तुम हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, टैक्सी ड्राइवर को बताओ नागपुर से आए तो पैसा नहीं लेता, ढाबे पे जाओ तो बोलता है खाना खाया, पैसा नहीं लेता। आपके आशीर्वाद से इतना नाम मैंने कमाया, टनल बनाई, रोड बनाई, हाईवे बनाया,
बहुत देश बदल गया। पर मेरे जीवन में अभी मुझे बीबीसी में इंटरव्यू हुआ तो पूछा आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया, तो मुझे बचपन में याद है ये टेका, ये पूरे दलित और मुस्लिम समाज के लोग ये साइकिल रिक्शा चलाते थे।